दोस्तों ये मेरा DVR, ये DVR है, माउस कनेक्टेड है और ये एक्चुअल में मेरा कंप्यूटर या पीसी आप कह सकते हो उसे, या लैपटॉप कह सकते हो। लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन को आप लोग डिस्प्ले एज ए डिस्प्ले यूज कर सकते हो, क्या डिवाइस लगानी पड़ती है उसके बारे में पूरी बात करेंगे। जैसे कि मेरा माउस कनेक्टेड है तो माउस से कोई भी सेटिंग करनी है, मेन्यू खोलना है, लाइक प्लेबैक जाना है, फाइल सेटिंग करनी है, पासवर्ड चेंज करना है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी है, मतलब सारे फीचर्स में अपने लैपटॉप से ऑपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि हम लैपटॉप में डिस्प्ले तो देख लेते हैं लेकिन हम फीचर यूज नहीं कर पाते। तो फीचर के लिए हमें टीवी चाहिए होता है लेकिन हर जगह टीवी अवेलेबल नहीं होता। सो बेसिकली मैं अपने कैमरे का डिस्प्ले अपने लैपटॉप या पीसी में देख सकता हूँ, इसलिए कौन सी डिवाइस लगेगी वो दिखाता हूँ पहले आपको। दोस्तों अगर हम यहाँ से एग्जिट करते हैं इस सॉफ्टवेयर से तो आप देखेंगे ये मेरा पीसी है। पीसी के अंदर मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसे कहते हैं OBS स्टूडियो। तो यहाँ पे जाने के बाद अगर इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, यहाँ से आके फुल स्क्रीन करते ही ये मेरा पूरा का पूरा डिस्प्ले यहाँ से प्ले हो जाता है, जो मेरे DVR का डिस्प्ले है। तो बेसिकली इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं अपने DVR को अपने लैपटॉप या पीसी पे वॉच कर सकता हूँ। तो एग्जिट होते हैं, ये आप देख रहे हैं OBS स्टूडियो, इसकी भी पूरी वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे, बट आप सिंपल समझ जाइए कि OBS स्टूडियो के थ्रू हम लोग DVR का डिस्प्ले अपने लैपटॉप या पीसी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, वो डिवाइस के बारे में आपको बताता हूँ, लेके चलता हूँ अपनी डिवाइस की तरफ, किस टाइप की डिवाइस आती है। दोस्तों DVR में कनेक्शन कैसे किया है वो आपको बताऊं, तो सिंपली ये जो पावर केबल होती है DC कनेक्टर जो DVR को ऑन करने के लिए होती है, मैंने ये लगाई है। अभी कोई भी कैमरा कनेक्टेड नहीं किया इसलिए कैमरा कोई नहीं आ रहा। और दूसरा मैंने HDMI केबल लगाई है, HDMI केबल जाती है बेसिकली आगे। दोस्तों ये हो गई मेरी HDMI केबल, तो HDMI केबल बेसिकली जाएगी एक डिवाइस में जिसे कहते हैं HD वीडियो कैप्चर। मोबाइल फोन पे भी आप लोग इसका डिस्प्ले देखते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे HDMI का इनपुट है, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। सो गाइस ये निकल रही है USB, तो USB को आपको बेसिकली सिंपली से आपका जो PC होगा, लैपटॉप होगा, आपको उसके USB वाले पॉइंट पे दे देनी है। सो दोस्तों ये मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में USB केबल, हम जो USB लगाते हैं आपको सिंपली USB केबल USB पॉइंट पे दे देनी है और कुछ भी नहीं करना। तो सिंपली मैंने USB केबल दे दी और मेरा जो DVR है उसका डिस्प्ले यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों आ गए हैं PC स्क्रीन पे, जैसा आप देख रहे हैं डिस्प्ले मेरा, यहाँ से सिंपली चलते हैं फुल स्क्रीन करते हैं और आप देख रहे हैं मेरा DVR का डिस्प्ले इस पे आ गया है। अगर हम DVR को बंद करते हैं, DC निकालता हूँ और DC वापस लगाता हूँ, मेरा DVR ऑन हो गया है और डिस्प्ले भी मेरा आ जाएगा। आप देख सकते हैं हिकविजन का जो लोगो स्क्रीन है वो आ चुकी है। थोड़ा क्लोजली दिखाता हूं आपको मैं कि DVR मेरा स्टार्ट हो रहा है। अगर बात करूं तो ये मेरा PC स्क्रीन है, जैसे आप देख रहे हैं PC चल रहा है मेरा, और OBS सॉफ्टवेयर ऑन करते ही मेरा DVR का डिस्प्ले आ जाता है यहाँ पे। फुल स्क्रीन करते हैं एक बार से। अगर आपके पास TV नहीं है, LED मॉनिटर नहीं है और आपको इजी है, आप सिंपली लैपटॉप या PC में भी अपना डिस्प्ले वॉच कर सकते हैं कैमरे का। दोस्तों आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये बेसिकली CCTV कैमरे इंस्टॉलर जो होते हैं उनके लिए बहुत ही काम की वीडियो है। लाइक हम लोग साइट पे जाते हैं और वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन हमारा मोबाइल फोन हमारे हाथ में होता है और कई क्लाइंट के पास लैपटॉप या PC उनके पास होता है। तो बेसिकली मोबाइल फोन पे भी इस डिवाइस के थ्रू आप लोग कैमरे को वॉच कर सकते हो, मेन्यू खोल सकते हो, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हो, कैमरे को वॉच कर सकते हो, नेटवर्क सेटिंग कर सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन में डिस्प्ले काफी छोटा सा होता है। उसकी वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। लेकिन सेम डिवाइस अगर आप बाय करते हैं तो मोबाइल फोन पर तो कंपैटिबल है ही है, लाइक एंड्रॉयड फोन पे आपके कंपैटिबल है, C-Type-C वाले जो फोन होते हैं, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उन पर भी कंपैटिबल है। लेकिन अगर क्लाइंट चाहता है उसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, PC या कंप्यूटर है, तो भी वो इस वाली डिवाइस के थ्रू ही अपने DVR पे लाइव कैमरे वॉच कर सकता है। गाइस इसके लिए पहले हमें TV ट्यूनर कार्ड लगाना पड़ता था, लेकिन जब से हमारे DVR HD में कन्वर्ट हो गए तो वो वाला ऑप्शन हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि HDMI की आउटपुट निकलती है और TV ट्यूनर कार्ड में AV इनपुट आती है। हालांकि TV ट्यूनर कार्ड पे कुछ एक आ गए हैं जिसमें HDMI सपोर्ट करती है, लेकिन एक सस्ता और बढ़िया जुगाड़ जिसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए भी मैं पूरी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट आए तो मैं जरूर इसकी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको PC पे सेटिंग करनी पड़ती है। बहुत सिंपल सेटिंग है, OBS स्टूडियो करके सॉफ्टवेयर है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें एक छोटी सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट कीजिए। सेकेंड, अगर इस डिवाइस के बारे में आप लोग पहले नहीं जानते, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी
और आप जानना चाहते हैं डिवाइस कितने की है, कहां से मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं जहां पर जाके आपको इसका प्राइस चल जाएगा पता। और इसमें कई तरह की वैरायटी आ रही है, सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। तो बेसिकली ये वाली डिवाइस जो है जिसे कहते हैं HD वीडियो कैप्चर USD 4K into 2K, तो बेसिकली मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी पसंद आई। एक और डिवाइस आती है इस टाइप से, भी डिवाइस आ रही है लेकिन ये मैंने अब तक यूज़ नहीं की है, ये थोड़ी सस्ते में है, तो अभी अगली वीडियो में इसके लेके भी आऊँगा। लेकिन फिलहाल जो ये वाली वीडियो थी कि कैसे आप अपने लैपटॉप PC जो भी डेस्कटॉप आपका होता है उसको कैसे आप एज अ डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको अगर अपने DVR का डिस्प्ले चलाना है लैपटॉप पे, क्योंकि बेसिकली नेटवर्क सेटिंग के बाद तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं CP+ का, उसमें ऑन हो जाता है। उसकी वीडियो बना चुका हूँ पहले, मैं हिकविजन की अलग वीडियो बनाई है मैंने जिसमें कि IVMS 4200 एक ऐप होती है, सॉफ्टवेयर होता है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि नेटवर्क सेटिंग होने में ही दिक्कत आती है और कस्टमर के पास डिस्प्ले भी नहीं होता, उस केस में ये वाली डिवाइस आपके बहुत काम आएगी, आपका बहुत टाइम बचाएगी। तो कुछ नहीं करना, आपने ये डिवाइस बाय करनी है, उसके बाद आपको सिंपल सिंपल सेटिंग करनी है जिसकी वीडियो मैं अगली लेके आऊँगा अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट आए तो। तो आज की वीडियो सिंपल सी थी कि आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को एज अ TV की स्क्रीन, जो LED की स्क्रीन होती है HDMI वाली, उसमें थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, आपके लाइक ही मेरे को मोटिवेट करते हैं और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में इतने एंड तक टिके हुए हैं। इसके अलावा भी कोई और आपके पास क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, जिससे कि मुझे अपने नए वीडियो का टॉपिक मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिकविजन CP+ दउआ TVT शटर सिक्योरिटी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल फोन से लॉक कैसे खुलता है, इन सब की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मोर देन 500 वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर और रेगुलर वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। जैसा मैं लास्ट टाइम बताया था मैंने कि एग्जीबिशन पर गया था, वहाँ पे बहुत सारी आइटम्स देख के आया हूँ, उसमें बहुत सारी आइटम्स मुझे पसंद आई हैं, स्पाइक कैमरे ही पसंद आए हैं, तो उन सब की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए, भगवान आपका दिन शुभ करे, थैंक यू सो मच।